रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले जम्मू कश्मीर इकाई की अध्यक्ष संध्या गुप्ता ने मुस्कान होम में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों में दिवाली के लिए मोमबत्तियां वितरित की। संध्या गुप्ता ने बच्चों को आश्वासन दिया कि पार्टी उनके उत्थान और विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। हम लोगों ने शुरुआत जो की थी, हर घर दिया जलना चाहिए, हर घर पे रोशनी होनी चाहिए, और आज हम आरपीआई खाते कि मैं स्टेट प्रेसिडेंट संध्या गुप्ता आज आए हैं मुस्कान हाउस में छन्नी रामा में। यहाँ आप देख रहे हो कैसी दुनिया है, और ये लोग बड़े मासूम हैं, अनजान हैं। यहाँ इनको सारी फैसिलिटीज दी जाती है। आप देख रहे थे ये यहाँ पर ड्राइंग का काम कर रहे हैं। ये बच्ची ने कितना खूबसूरत सा फूल तैयार किया, और ये फूल जो है वो दिवाली की डेकोरेशन के लिए बनाया गया है। ये बच्चे ना समझ हैं, बेकसूर हैं, और इस घर पे रहना मतलब इनकी एक आदत भी है, मजबूरी कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई नहीं होता है, वो मुस्कान घर में आकर रहते हैं। यहाँ के जितने भी स्टाफ मेम्बर्स हैं वो बहुत अच्छे से इनकी केयर करते हैं। हम दो तीन बार आ चुके हैं। ये मोमबत्तियाँ दिए देने का एक ही मकसद था कि हर घर में रोशनी होनी चाहिए, हर घर इन भगवान इनकी जो ज़िंदगी है वो खुशियों से भर दे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।